some breaking news just coming in. This is an exclusive scoop on the Naya Sansad mega flag hoisting ritual day ahead of the session. Prime Minister Modi, Speaker Birla, Jagdeep Dhankar, the Vice President, are part of flag hoisting. Big Sansad rituals on Modi's birthday. On the 19th of September, Ganesh Chaturthi is the beginning for Naya Sansad. We have some details, in fact, pouring in. There will be a mega flag hoisting ceremony. The Speaker, Om Birla, will be a part of this along with the Prime Minister and Jagdeep Dhankar. Himanshu Mishra has more details on that story. Himanshu, tell us more about the flag hoisting ceremony. When is it going to take place on the Prime Minister's birthday is what you're picking up. What more can you tell us? देखिए स्पेशल सेशन जो है वो 18 से शुरू होगा और 19 तारीख को जो है पुरानी संसद से नई संसद के अंदर जो है वो शिफ्टिंग होगी. गणेश चतुर्थी है, उससे पहले 17 तारीख को जो है ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन जगदीप धनखड़ मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहने वाले हैं. ये गज द्वार जो है वहां पर फ्लैग होस्ट का ये कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है. अब इसको सहयोग कहिए या प्रयोग कह सकते हैं कि 17 तारीख को जब ये प्रोग्राम किया जा रहा है तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा डे भी है, तो इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है ये एक अलग विषय है. लेकिन इतना जरूर है कि संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले ये फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम जो है वो रखा जा रहा है जिसमें तीनों लोग राज्यसभा के चेयरमैन जो है जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो तीनों ही लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. और इस पे ऑपोजिशन का कोई रोल है हिमांशु? ऑपोजिशन लीडर्स के नेता, हाउसेस के जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन में, क्या वो आएंगे इस पर? देखिए ये सारी डिटेलिंग्स जो है वो लोकसभा स्पीकर्स के ऑफिस से की जाती है क्योंकि लोकसभा के जो कस्टोडियन है वो लोकसभा स्पीकर है. संसद के कस्टोडियन जो है वो लोकसभा स्पीकर होते हैं, तो जो भी निमंत्रण पत्र दिए जाएंगे वो लोकसभा स्पीकर की तरफ से भेजे जाएंगे संसदीय कार्य मंत्री के साथ मिलकर जो है सलाह मशवरा के बाद. इतना जरूर है जितने फ्लोर लीडर्स हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा के, उनको जरूर ये निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा क्योंकि नई संसद भवन का जब उद्घाटन समारोह था तब भी सभी नेताओं को, सभी सांसदों को ये निमंत्रण पत्र भेजा गया. इस समय हिमांशु एजेंडा को लेकर कोई क्लैरिटी अगर आप बता सकते हैं इस बारे में? स्नेहा, मुझे लगता है कि 102 दिन के अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी. जो बिजनेस रहने वाला है स्पेशल सेशन का, वो बिजनेस जो है सभी माननीय सांसदों को जो है वो भेज दिया जाएगा. अभी तक बिजनेस को लेकर इस तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं आई है. हमारी जानकारी के अनुसार जो है अगले 24 घंटे के अंदर जो है वो बिजनेस क्या रहेगा इन 5 दिनों के अंदर वो तय हो जाएगा, क्योंकि अगर स्पेशल सेशन है तो स्पेशल सेशन के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि सभी फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत करके बिजनेस तय किया जाए ये नहीं रहेगा. हाँ, जब बिजनेस बता दिया जाएगा उसके बाद जो है ये डिस्कशन हो सकता है कि किस बिजनेस को, यानी कि कितने, कौन सा बिल है, क्या डिस्कशन है, किन विषयों के ऊपर चर्चा होगी, ये इन सब को लेकर समय सीमा तय करने के लिए जरूर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी. लेकिन सबसे पहले जो है सदन के सभी, चाहे वो लोकसभा के या राज्यसभा के सांसद हैं, सभी को पहले ये बताया जाएगा कि इस स्पेशल सेशन के पीछे सरकार कौन से बिल लेके आ रही है या उनका क्या बिजनेस रहने वाला है. शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, गेटिंग अस ऑल ऑफ दोस डिटेल्स. As far as the ceremony on the 17th of September is concerned, happens to be Prime Minister Modi's birthday as well. It's going to be a flag hoisting ceremony, is what Himanshu is confirming for us, just one day before the special session on the 18th of September.